दीक्षित आगे छोटे हाथ। अंश, आई वुड लव इट इफ यू कुड जस्ट फोकस फॉर मी प्लीज। इसको खोलने में आप हेल्प करेंगे। Okay, I'm diving into the second box now. This box has a mug on it. No, I think this is not a mystery box. Apne yeah, I was like, is a random JK Sports ka ye impulse ka koi parcel aaya hoga. Let me try. Arre khul ja bhai. Okay. Ye lipstick niche lag gayi kya? Mujhe na wafer aisa duba ke soggy karne mein maza aata hai. Koi bhi cheez. जब मुझे बुखार होता है ना, पार्ले जी विद चाय इज माय आई लव गेटिंग खाना है। मिस्ट्री बॉक्स में मुझे इतनी भूख लगी थी, वो खाते समय आवाज होती है, फिर बात भी करना पड़ता है, उसमें बहुत प्रेशर फील होता है मेरे को। क्यों? अंश इज लुकिंग एट द टाइम लाइक चलो भाई जल्दी का। मैंने क्या है, सबसे टर्टल नेक पहन के बैठी हुई है वीडियो करने के लिए इतनी गर्मी में। 16 से नीचे नहीं होता अंश। Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. For today's video, I'm doing one of the most hit series on my channel, and that is my subscriber mystery box. I'm so sorry कि ये इतना late intervals पे आता है, but this subscriber mystery box specially has travelled from the last Sara Squad studio till this Sara Squad studio, and it has still waited for 6 more months to be unboxed. This has come specially from Haryana. ये subscriber mystery box बनाया है Sara Squad member Devanshi बियानी ने, एंड शी सेंट इट ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा, एंड आई एम सो सॉरी कि ये आया है मुझे मतलब मोर देन 6 मंथ्स पहले, बट बिकॉज वी वर शिफ्टिंग एंड देन आई वाज ट्रैवलिंग। जब से मैं ये घर में आई हूँ तब से आई बिन ट्रैवलिंग अ लॉट। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, यू ऑल नो दैट आई हैव रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सिट डाउन वीडियोज, को चैन से सिट डाउन करने का टाइम नहीं मिलता लाइफ में, बट फाइनली इट्स अ डे दैट आई एम अनबॉक्सिंग दिस मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम हरियाणा, एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। सब्सक्राइबर मिस्ट्री बॉक्सेज आर माई फेवरेट वीडियो ऑल्सो टू डू पर्सनली ऑन माई चैनल, बिकॉज मेरी सारा स्क्वाड मुझे इतना अच्छे से जानती है थ्रू माई वीडियोज एंड थ्रू माई व्लॉग्स, एंड आई फील लाइक दे मेक द बेस्ट मिस्ट्री बॉक्सेस फॉर मी विच आर एक्चुअली यूजफुल, एंड आई कैन एक्चुअली मेक द मोस्ट ऑफ इट। यू नो आई डोंट लाइक मिस्ट्री बॉक्सेस जहाँ पे मतलब मैं कुछ यूज ही नहीं कर पाऊँ, सो आई लव गेटिंग मिस्ट्री बॉक्सेस फ्रॉम माई सारा स्क्वाड। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी वॉट हैज कम ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा फॉर मी, देन कंटिन्यू वॉचिंग। बट इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू कम ऑन टू माई चैनल, देन हाई एम सारा, आई मेक ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट हियर ऑन यूट्यूब। सो टेक अ मोमेंट, hit that subscribe button, join the Sara Squad, I'm sure you'll love it here, and also don't forget to hit the bell icon right next to it so every time I upload a video you get notified, and with that we can dive straight into this. Yeah, actually ye dabbe mein nahi aaya tha, ye mere paas dabba pada tha, so I have like mini boxes inside of this, and I am going to unbox all of these boxes. Sabse pehle let's begin. If you all don't know, there's an email address jo mere description mein aapko mil jayega. If you all want to curate a mystery box for me, you can send an email to info.sarasarosh@gmail.com और सब्जेक्ट में यू जस्ट हैव टू मेंशन फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली आर यू। ये हम कोशिश करते हैं कि हर एक मिस्ट्री बॉक्स हम इंडिया के अलग अलग पार्ट से करें, और लास्ट वाला तो हमने दुबई से भी किया था, सो वी आर ट्राइंग टू ब्रांच इंटरनेशनल। दैट्स हाउ वी बेसिकली जस्ट यू नो गो थ्रू दोज ईमेल्स एंड रिप्लाई टू योर, सारी कम्युनिकेशन ईमेल पे ही होती है, एंड देन वी सेंड अ बजट टू द पर्सन हु इज मेकिंग द मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम द सारा स्क्वाड, और फिर उस हिसाब से मिस्ट्री बॉक्स बनता है। सो द बजट फॉर दिस मिस्ट्री बॉक्स इज 5,000 INR। तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले मुझे ये डब्बा दिख रहा है, एंड ओके इस पे नंबर 1 लिखा है, सो आई फॉर द फर्स्ट टाइम पिक्ड अप द करेक्ट नंबर। अच्छा, ये मिनी बॉक्स में काफ़ी दूसरी चीज़ें भी है। परफेक्ट। नंबर 1 सेज अनपैकिंग इट माइट बी हार्ड बट आई गेस यू विल लव इट फॉर श्योर बिकॉज आई लव यू, सो स्वीट। पहला ही अनपैकिंग हार्ड होने वाला है। व्हाट इज सो हार्ड अबाउट दिस, लेट मी सी। So, Nykaa package, okay. Nykaa Lux, not just regular Nykaa package. What is this? This is really difficult to pack. Oh, she's repurposed Nykaa ke packaging, but actually there's gold bangles inside this. This is specific. Why was it packed like this though? I hope these bangles fit me though. Very pretty, 3 bangles. Do they mean something? Is there a meaning behind Haryana having bangles? Or is this very random? Oh, they fit me though. They fit me. There are only 3 bangles in this. Very random. You guys have to tell me कि ये bangles का क्या meaning है in the comment section. Is this supposed to just be complimentary to something else? के in the north I know के Rajasthanis have this bangle का system, but Haryana में भी ऐसा कुछ है
Yeah, does this have any significance? I need to know that in the comment section because it's so nicely packed in this case that I feel like iska kuch to significance hoga. Okay, the next thing says the pearl is the queen of gems and the gem of queens. To keep those cute pearls and jewelry safe, this is a handmade box made for you specially. Is there another? Okay, this is a handmade box. Wow, I'm excited to open it. I should be gentle with these things. Oh, this looks really pretty. Wow. It has this beautiful mosaic sort of a glass on it or plastic acrylic and it has this elephant painting. And then I like the side details because it's wooden with this, you know, bronzy gold finish. It's a jewelry box majorly, but I really like this painting. I took a handmade painting in Jodhpur which had this similar elephant structure. And I love jewelry boxes. It's a velvet inside lining jewelry box. I love this. ऐसे मुझे jewelry boxes पहले भी बहुत पसंद है. When I used to stay with my parents, मम्मी ने मुझे एक कश्मीरी box दिया था, जिसपे पूरा like hand painted कश्मीरी box था. It's a very very cute jewelry storage box. And there's one more in this. I'm thinking like maybe jewelry is the motto or thing for this particular box. But this one says, for the love of coffee, let me raise a toast to the drink I love the most. Wow, this is rhyming. A toast to the drink she loves the most. Kya hoga toast raise karne ke liye isme? Doesn't look big enough to be a champagne bottle. So, oh, this. अभी मुझे कोई भी कॉफी नहीं देता है मिस्ट्री बॉक्सेस में बिकॉज मेरी खुद की कंपनी है बट इट्स समथिंग टू डू विद कॉफी. दिस इज बेला वीटा ऑर्गेनिक्स एक्सफोलिएट फेस एंड बॉडी स्क्रब. इट डीटैन्स ब्राइटन्स एंड रिमूव्स डेड स्किन एंड ब्लैक हेड्स. वाओ, लुक्स रियली इंटरेस्टिंग. आई एम नॉट वेरी बिग ऑन बॉडी स्क्रब्स और एनीथिंग. ओ वाओ, द कॉफी का फ्रेग्रेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट लुक्स वेरी नाइसली मिल्ड. इट्स नॉट सुपर कोर्स. बहुत ही मतलब पतला फाइन पाउडर है. And it actually looks like literal coffee has been ground into this because it's really strong. I'm not very big on body scrubs, but I'm going to try this out at least once to see what it is about. On the body, I can still use scrubs, but on the face, I'm not very big on it. I'm going to dive into the next box now. She's repurposed all Nykaa boxes. I love it. ये अनबॉक्सिंग वीडियोस करने जितना मजा आता ना उसमें हैंड एक्सरसाइज उसमें ही हो जाती. ओके, टू द हंग्री स्टमक क्रेविंग फॉर सम स्वीट स्नैक्स ईट वेल देवांशी. देवांशी ने ये भेजते समय ईमेल किया था कि प्लीज जल्दी खोल देना बिकॉज मैं कुछ तो भेज रही हूँ जो खराब हो जाएगा. एंड माय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू ऑल दीज मिस्ट्री बॉक्सेस इज प्लीज पेरिशेबल खाना मत भेजो बिकॉज आई नेवर नो कि कब आ जाता है एंड व्हेन आई विल गेट द चांस टू फिल्म द वीडियो. And if this is one of those sweets, I'm gonna feel so bad ke kharab ho gaya hai. I'm genuinely gonna feel super bad. But it's oh, nahi ye kha sakte hai. Ye to packaged good hai. Packaged good is fine. This is dark waffy chocolate wafers, so I can definitely eat this. Nice. I like that vanilla ka taste kam hai. Chocolate ka zyada hai. ओके, नेक्स्ट बॉक्स. ये अंदर बॉक्स में भी और भी मल्टीपल चीजें. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय नायका बट डेफिनेटली देवांशी ऑर्डर्स अ लॉट फ्रॉम नायका लक्स बिकॉज उसने सारे नायका लक्स के बॉक्सेस रिपर्पज किए हैं. सो दिस वन हैज अ लॉट ऑफ आइटम्स. द फर्स्ट थिंग आर दीज स्क्रंचीज दैट आई कैन सी राइट ऑन टॉप. Very, very pretty. I like these scrunchies which have this ribbon niche because it gives you that 90s wala aesthetic. It looks really cute. We've got two colors in this. Oh wow, I could really tie my hair, bro, right now. So hot in Bombay, you guys. Whew. See what I mean? Like if I do this and this. Don't, especially mere jaise ho jinko hairstyle karne mein bilkul bhi interest nahi hai. This is low effort hairstyle. The next one says other foods are just foods but I am the love of the nation. Other foods are just foods but I am the love of the nation. What does the nation love? Dairy milk? Nation loves Shaktiman. Nation loves Shaktiman. क्या नहीं होगी किंडर जॉय लग रही है मेरे को ऐसा फील करके क्योंकि उसके वो ऐसे बट फुल नेशन डजंट लाइक किंडर जॉय. डेयरी मिल्क इज द मोस्ट लव्ड चॉकलेट. कैडबरी वॉज इंडियन. डेयरी मेरा फर्स्ट गेस बट मेरा फर्स्ट गेस ही डेयरी मिल्क का. इट्स नॉट जस्ट डेयरी मिल्क, इट्स डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट. इट्स बीन सो लॉन्ग since ever since I've eaten dairy milk fruit and nut. Oh no,
डेरी मिल्क सिल्क हेजलनट भी आता है इसमें अभी. वाह, मुझे नहीं मालूम था बिल्कुल भी. माय फेवरेट डेरी मिल्क इज द डेरी मिल्क बबली बिकॉज आई रियली लाइक उसमें वो जो बीच बीच में गैप्स होते हैं ना, बड़ी मजा है. दिस वन इज नंबर 4, द सीक्रेट ब्यूटी ऑफ एवरी गर्ल लाइज इन इट, गेस इट. सीक्रेट ब्यूटी, सीक्रेट ब्यूटी लिपस्टिक थोड़ी होती है. कॉन्शियस लाइक मुझे नहीं कहा. गेस गेस क्लिप. सीक्रेट ब्यूटी मिरर लेंस. सभी मेकअप प्रोडक्ट्स के नाम ले लूंगी मैं. आई एम नॉट अ गुड गेसर. ओ यस, इयर रिंग सो प्रिटी. Really, really pretty ones. Actually, earring पहनने से पूरे शक्ल का गेम चेंज हो जाता है. Very, very pretty earrings. I love the jhumkas. It's got this dark gold bronze finish with these red pretty, pretty नीचे झुमकीज. Love how they will look on like simple black kurta, like a flowy kurta, and this. Wow, stunning. Love it. My favorite thing till now is the jhumkas, for sure, for sure. Next, life without lipstick is like a cake without frosting. Which lipstick do you think she's given me? Oh, wow. She's giving me a Smashbox Always On Duo. This is all the Nykaa Luxe ki ordering. This has two colors, the Always On. I love this liquid lipstick. I think it's one of the best liquid lipstick formulas in Indian market. Mein. My only problem is that it keeps it and keeps it dry. But otherwise, if you're wearing it regularly, if you're somebody who can like wear the lipstick shade every day, then it's beautiful because it wears really long and it's super pigmented. When I was in college, I used to wear the shade Disorderly every like occasion jab hota tha, because it was so long wearing. I always wore it in my bag. Mein hoti thi. Is this the darker color that has come? Disorderly? Yeah, it is. So one of the lipsticks that we've gotten is Disorderly. And it's good that she sent me the minis. I'm gonna give you all like a quick swatch. And the other shade over here is Driver's Seat. It's great that she's given me these minis because ye itni jaldi sukh jati hai. It's perfect to use. Driver's Seat actually washes me out, but Disorderly is beautiful. Agar aap mere complexion ke ho to bahut sundar lagti hai. Like it's that perfect dark maroon burgundy sort of color that you would wear with simple makeup or even no makeup for that matter. Love this duo is my next favorite thing. Abhi jhumke ke baad this is my next favorite thing. Next, let's dive. Are we missing anything else? Ah, there is one. Oh, there are 2-3 things. A kiss on the hand may feel very good, but a bracelet made by own hand lasts forever with love. Wow. Please don't tell me you've made the bracelet. The effort you all take for these mystery boxes is unreal. Wow, dude. This is so pretty. काफ़ी सुंदर सा ब्रेसलेट है एंड आई एम वेरी सरप्राइज दैट इंडियन ब्रेसलेट्स भी आते हैं. मैंने आज तक ऑनेस्टली इंडियन वर्क में ब्रेसलेट नहीं देखा है अनलेस इट्स लाइक रियल गोल्ड एंड वेरी दोज डेलिकेट पतला पतला ब्रेसलेट्स. इट लुक्स रियली रियली प्रिटी एंड इंडियन लाइक बैंगल्स के साथ स्टैकअप करने के लिए इट लुक्स रियली नाइस. व्हेन आई वेयर एंड डू माई आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोज आई ऑलवेज लुक फॉर गुड ज्वेलरी. दिस नोट वॉज ऑन दिस सो इट्स डेफिनेटली एन इंक पेन. वाओ, आई हैव नॉट यूज एन इंक पेन इन इयर्स. पैकेजिंग दैट देवांशी इज डन इज तगड़ा. ओके, इसमें लिखा है व्हेन यू आर टेलिंग योर स्टोरी होल्ड योर ओन इंक पेन, डोंट लेट एनीबॉडी एल्स टेल योर स्टोरी. वाओ, देवांशी हैज गिवन मी 2 इंक पेन्स, 1 सिल्वर 1 गोल्ड एंड दिस इज सो नॉस्टैल्जिक. आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम मैंने इंक पेन से लिखा था, लाइक प्रॉपर पुराने जमाने वाला इंक पेन से, बट इट्स लाइक वेरी 90s vibe, total 90s vibe. But honestly, I have never used an ink pen that much. It's going to be interesting to have this on my desk now. We're down to the last box, you guys. And this has, I think, only one item. Yeah, it does. No note? No note. Okay. Oh! There's ramen in this. We are ending on a very good note, jo main iske baad khane baithne wali hu. This is my Shin Cup Noodle Soup by Nongshim. Ye mera favorite brand of ramen hai. And now ramen is the next thing that I receive in every mystery box. Huh? हाँ, बहुत टेस्टी है. इसमें बहुत सारे वो स्पाइसी नूडल चैलेंज चल रहा था ना, वो यही इसका 4x 6x स्पाइसी आता है एंड आई लव इट. नहीं, कप नूडल्स ऑफ मैगी एंड ऑल इज नॉट गुड, बट कप रैमिन इज गुड बिकॉज
मैं पेरिस में, मैं गोपाली जानवी न्यू ईयर्स के अगले दिन हम लोग फर्स्ट जैन की रात को बैठ के यही खा रहे थे, कप नूडल, एंड इट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी व्हेन इट्स रामेन, इट्स गुड बिकॉज रामेन इज सपोज्ड टू बी इंस्टेंट नूडल ओनली, वेरी नाइस. द अदर डे आई एट रामेन एट अ रेस्टोरेंट, मतलब मुझे चाहिए था कि ये मिले बिकॉज दैट वॉज नॉट गुड, बिकॉज इट्स वो ओवर बॉइल कर देते फिर अच्छा नहीं लगता, ये परफेक्ट बनता है. So this is the gourmet spicy variant. Love that. If you all want to try like noodle, honestly na abhi jab se main ramen ko addict hu, I don't like Maggi anymore. And I'm saying this on camera. I used to be a huge Maggi fan school mein. But that day I ate Maggi and I was like, itna ata kyun lag raha hai? I cannot eat Maggi anymore. But that was it for everything that made it to me. So thank you so much for firstly doing this for me. Of course, mere aaj ke video ka sara score shout out goes to Devanshi Biyani. Thank you so much for doing this and for curating a mystery box for the Sara Squad to watch and for me to enjoy. If you like this video, don't forget a big thumbs up. Already maine bol diya hai ki agar aapko mystery box banana hai to sare details aapko description mein mil jayenge. If you want to be part of next video Sara Squad shout out, you know what to do, hit the subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad, and shout out to be part of my next video Sara Squad shout out. I'll see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah.